पहाड़ी जो खून से लाल हो गई। 1500 से ज्यादा आदिवासी मारे गए। इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का यह तक कहना है कि यह नरसंहार जलियांवाला बाग से भी बहुत बड़ा था। बावजूद इसके भी हमें इस नरसंहार की ज्यादा जानकारी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नगरी न्यूज, मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। जनरल डायर, वो नाम जो हमारे जख्म कुरेद देता है, और इस जख्म से कुछ याद आता है तो वो है जलियांवाला बाग, जहां हमारे पूर्वजों की आत्माएं आज भी भटक रही होगी। 109 साल पहले की इस दानव कृत्य का घाव आज भी हरा है। देश की 135 करोड़ की आबादी में से अधिकतर लोग आज भी जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंग्रेजों की बर्बरता के रूप में सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग का बर्बर हत्याकांड से ठीक 6 साल पहले ऐसा ही एक नरसंहार धरती धोरा की कहे जाने वाले राजस्थान में हुआ था। हमारे देश में सिर्फ ये एक ही जलियांवाला बाग है तो ये हमारी गलत फहमी है। अंग्रेजों की बर्बरता ने हमारे दिलों में कई जलियांवाला बाग दफन किए हैं, जिनमें से शायद हम कई भुला चुके हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द नगरी न्यूज में, मैं गरिमा गौर। हम आज आपको बर्बरता की वो दास्तां सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने इम्तिहान की वो हर अग्नि परीक्षा पार की है जिसके बारे में हम कभी नहीं सोच सकते, और हमेशा यही कहेंगे कि कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हो। आज की कहानी के लिए हमें सीधा चलना होगा मानगढ़ धाम, जो राजस्थान के बांसवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर बसा है, जिसकी ऊंचाई करीब 800 मीटर है। गुजरात और राजस्थान की सीमा से लगती इस पहाड़ी पर एक धुनी है, जहां गोविंद गुरु की प्रतिमा लगी हुई है। इसके साथ ही मानगढ़ से संबंधित जानकारी भी वहां के पत्थरों पर लिखी हुई है। मानगढ़ धाम भील आदिवासियों के उस आदम्य साहस और एकता की वो गवाही है जिसकी वजह से अंग्रेजों को नाकों तले चने चबाने पड़ते थे। ये एकजुटता और आदम्य साहस भील आदिवासियों के नेता गोविंद गुरु के नेतृत्व में पैदा हुई थी, जिनका पूरा जीवन भील समुदाय के हितों के लिए समर्पित रहा। ऐसा भी नहीं है कि ऐतिहासिक विद्रोह में भीलों के निशाने पर केवल अंग्रेज ही थे, बल्कि स्थानीय रजवाड़े भी थे, जो लगातार इन आदिवासियों पर जुल्म ढा रहे थे। साल 1857 के सैन्य विद्रोह को एक साल भी नहीं हुआ था। देश उथल पुथल के उस दौर से गुजर रहा था जहां आजादी की चिंगारी हर दिल में भड़क रही थी। तभी 1857 की क्रांति के एक साल बाद गुरु गोविंद का जन्म हुआ। उन्होंने युवा होने पर ही समझ लिया था कि जब तक शोषित समुदाय के लोगों को वो साथ नहीं लाएंगे, तब तक आजादी मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। धीरे धीरे वो लोगों को एकजुट करने लगे। सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए वो कविताएं लिखते, खुद गाते और समूह के साथ भी उन्हें गाया जाता। नतीजा ये हुआ कि आदिवासी एकजुट होने लगे, असर बढ़ने लगा और दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और मलवा के आदिवासी संगठित होकर बड़ी जनशक्ति बन गए। अपने जनाधार को बढ़ाने के बाद गोविंद गुरु ने वर्ष 1883 में संप सभा की स्थापना की। बता दें कि भील समुदाय की भाषा में संप का अर्थ होता है भाईचारा, एकता और प्रेम। संप सभा का पहला अधिवेशन वर्ष 1903 में हुआ। लंबे समय से राजा महाराजा भीलों और आदिवासियों से बेगारी करते आ रहे हैं वो अब भी ऐसा ही चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो राजा महाराजा से लेकर अंग्रेज तक उनसे नाराज रहने लगे। गोविंद गुरु के नेतृत्व का आलम यह था कि उनके कहने भर से आदिवासियों ने शराब पीना बंद कर दिया था, जिससे शराब कारोबारियों के धंधे पर असर पड़ने लगा। इससे अंग्रेजी हुकूमत को जो टैक्स के तौर पर आमदनी होती थी वो लगभग बंद हो गई। आदिवासियों की बढ़ती जागरूकता देशी रजवाड़ों, अंग्रेजों, व्यापारियों सभी को नाखुश कर रही थी। धीरे धीरे सब उनके खिलाफ होने लगे। 7 दिसंबर 1908 को संप सभा का वार्षिक अधिवेशन बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर मानगढ़ में हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। 1913 में गोविंद गुरु की अगुवाई में आदिवासी फिर से राशन पानी लेकर वहां जुट गए। इसे देखकर विरोधियों ने अफवाह फैला दी कि ये सभी विद्रोह करके रियासतों पर कब्जा करना चाहते हैं। तब ये इलाका बंबई राज्य के अधीन था। बंबई राज्य का सेना अधिकारी अंग्रेजी सेना लेकर 10 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी के पास पहुंचा।
सशस्त्र भीलों ने बलपूर्वक आयुक्त सहित सेना को वापस भेज दिया। सेना पहाड़ी से कुछ दूर पर ठहर गई और भीलों और अंग्रेजों के बीच कोई बातचीत नहीं होने की स्थिति बनती चली गई और अंग्रेजों ने तुरंत मेवाड़ छावनी से सेना बुलाई। अब जहालत और क्रूरता का वो दिन था जब 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने मानगढ़ धाम की सड़क के पार समांतर पहाड़ पर खच्चरों से मशीन गन और तोपे पहुंचाए। मेजर हैमिल्टन और उनके 3 अफसरों ने हथियारबंद फौज के साथ मानगढ़ पहाड़ी को तीनों ओर से घेर लिया था। खेरवाड़ा से आई अंग्रेजी सेना ने रात में पूरा सफर तय कर पहाड़ियों पर हथियार जमा दिए थे। अगली सुबह अंग्रेजी फौज के कर्नल छटन का आदेश मिलते ही सेना ने गोलाबारी करना शुरू कर दिया। आदिवासियों पर तोप और तत्कालीन मशीन गनों से हमला बोल दिया गया। इस नरसंहार में 1500 आदिवासियों की मौत हो गई थी। वहीं गोविंद गुरु के पांव में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला, फांसी की सजा सुनाई गई, जिसके बाद फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अच्छे चाल चलन के कारण सन 1923 में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद गुजरात के पंचमहल जिले के कंबोई गांव में रहने लगे। जिंदगी के अंतिम दिनों तक वो जन कल्याण के काम में लगे रहे। 1931 में उनका निधन हो गया। उन 1500 आदिवासियों की शहादत की याद में मानगढ़ पहाड़ी पर पत्थरों से एक स्मारक बनवाया गया। ये नरसंहार इतिहास में क्यों दर्ज नहीं हुआ? इस बारे में प्रोफेसर कन्हैया लाल खाट ने बताया कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वह पंजाब प्रांत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आता था। राजस्थान की देशी रियासतें एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन थी। यहां पर अंग्रेजी हुकूमत का सीधा हस्तक्षेप नहीं था। ऐसे में इसका सीधा अंग्रेजों से संघर्ष नहीं बताकर रियासतों और रजवाड़ों से संघर्ष बताया गया था। इस कारण से ही राजस्थान का नरसंहार इतिहास में दर्ज नहीं हो सका, जहां 1500 से ज्यादा आदिवासी बड़ी निर्ममता से मारे गए।